मैं डॉक्टर ज्योति बाली, रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, सेंट्रल दिल्ली में करोलबाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, पॉलीसिस्टिक ओवरी। क्या होती है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी? बहुत सारी मैं यंग महिलाओं को देखती हूँ जो शादी से पहले, यंग लड़कियाँ आती हैं मेरे पास और कुछ शादी के बाद कंसीव ना करने की कंप्लेंट लेके इनफर्टिलिटी को लेके आते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी कोई बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक एंडाउमेंट है कि जेनेटिक्स के चलते आपकी ओवरी में अंडा बनाने की क्षमता यानी नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा हैं और उसके चलते हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स या कुछ सिम्टम्स हम देखते हैं महिलाओं में जो पाए जाते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, चेहरे पे पिंपल्स या एक्ने का होना, बालों की ग्रोथ का अधिक होना पुरुषों की तरह, बियर्ड या मुस्टैशेज या हाथ पैरों पे ज़्यादा बाल होना, और किसी किसी को कोई सिम्टम नहीं होता है, किसी को कोई कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके चलते जो महिलाएं इनफर्टिलिटी के लिए आती हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप बिल्कुल निराश ना हो, इसका इलाज बहुत ईजिली हो जाता है, अच्छा संभव इलाज होता है। तो आगे आएंगे आप टाइम रहते, उम्र के पहले 35 की उम्र से पहले पहले आएंगे और इसका इलाज मुमकिन है। एक बच्चा, किसी को ट्विंस ईजिली हो जाते हैं IVF द्वारा या IUI द्वारा। तो PCOD की अगर आपको समस्या है तो प्लीज़ इसके लिए आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, इसका इलाज बहुत ईजी और संभव इलाज है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस चाहिए होती हैं और थोड़ा सा इलाज ताकि ओव्यूलेशन टाइम पे हो सके। हार्मोन्स के इम्बैलेंस के रहते ओव्यूलेशन हो नहीं पाता है और पीरियड्स की इरेगुलरिटी रहती है और उसके साथ साथ फिर बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत के लिए हमें ओव्यूलेशन को टाइम पे लाने के लिए कुछ चीज़ों का इलाज करवाना पड़ता है और इस इलाज को हम करा के ईजिली प्रेगनेंट हो सकते हैं और अपनी फैमिली स्टार्ट और कम्प्लीट दोनों कर सकते हैं। थैंक यू।